हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गार्बेज कलेक्शन के ऊपर कि जावा में गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और इसको हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। जावा में गार्बेज का मतलब होता है अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट। अगर हम गार्बेज कलेक्शन की बात करें तो एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करता है, रन टाइम पर अनयूज्ड मेमोरी को ऑटोमेटिकली रिक्लेमिंग कर देता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस तरीके से सी में हम फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से सी प्लस प्लस में डिलीट नेम के फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, तब अनयूज्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। यहाँ पर ये काम जावा ऑटोमेटिकली करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जावा का जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो बेटर होता है सी और सी प्लस प्लस से। अब बात करते हैं कि गार्बेज कलेक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो JVM के इनसाइट जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है जो न्यू कीवर्ड के थ्रू बने हुए होते हैं। जो न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं बने हुए होते हैं उनके लिए गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज मेथड को चला देता है और उसके थ्रू उन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन अप कर देता है। इसको एक लाइव एग्जांपल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है और इसके इनसाइट मैंने यहाँ पर फाइनलाइज मेथड यूज़ किया है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो होता है ये इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता है। तो हम जिस तरीके से इंटरनली प्रोसेस होता है उसी तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम बनाकर आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनलाइज मेथड बनाया है और इसके इनसाइड एक मैसेज प्रिंट करवाया है गार्बेज कलेक्शन। और अब मैंने यहाँ पर इस क्लास का, यानी कि गार्बेज EX नेम की जो क्लास है, इस क्लास का दो बार ऑब्जेक्ट बनाया है और दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग रेफरेंस में रखा है। इसके बाद इन दोनों ही रेफरेंस के इनसाइट मैंने नल असाइन कर दिया है और इसके बाद system.gc जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, यहाँ पर सिस्टम एक क्लास है और gc जो है एक स्टैटिक मेथड है सिस्टम नेम की क्लास के इनसाइट। तो यहाँ पर सिस्टम नेम की क्लास से gc नेम की मेथड को कॉल किया है। इससे होगा ये कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि G1 में मैंने नल असाइन किया है, G2 में मैंने नल असाइन किया है, तो दो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट बने हैं, तो ये दोनों के लिए फाइनलाइज मेथड चलाएगा। अब ऐसा ही प्रोसेस इंटरनली भी होता है, जब उसे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो फाइनलाइज मेथड चलती है और फाइनलाइज मेथड के इनसाइट एल्गोरिथम होता है, एक लॉजिक होता है जिसके थ्रू जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर केवल मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया तो आपको मैसेज दिखेगा, आपको इसी से समझना है कि ये गार्बेज कलेक्टर जो है किस तरीके से वर्क करता है हमारी प्रोग्रामिंग के इनसाइट। तो इसे कंपाइल और रन करके समझने की कोशिश करते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनलाइज मेथड जो है वो दो बार चला है और हमने यहाँ पर सिस्टम नेम की जो क्लास है उससे जीसी नेम की मेथड को कॉल किया है, हमने फाइनलाइज मेथड को कॉल नहीं किया है। इसको कौन चला रहा है? JVM चला रहा है। कब चला रहा है? जब इसको अनयूज्ड ऑब्जेक्ट मिल रहा है तब। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के इनसाइट हमने गार्बेज कलेक्शन के ऊपर डिस्कशन किया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।